लेटर पढ़ा रहा है, क्वाड्रिलेटर पढ़ा रहा है। तो क्वाड्रिलेटर में कौन सा टाइप है? छठा है, सिक्स नंबर है। सिक्स नंबर कौन सा नंबर है? सिक्स नंबर है ना, ठीक सर, सिक्स नंबर है। ठीक, अब शांति समझना। तो ये सिक्स नंबर में क्या बाबू, ये छठा कौन है? आपको क्वाड्रिलेटर का बहुत पढ़ा है बाबू, शुरू में क्या पढ़ा है? पैरेललोग्राम पढ़ा है, उसके बाद क्या बताया? रोम्बस के बारे में बताया, फिर क्या बताया? ट्रेपेजियम के बारे में बताया ना, ट्रेपेजियम के बारे में बताया ना बाबू, ठीक, ट्रेपेजियम। उसके बाद रेक्टेंगल के बारे में बताया, स्क्वायर के बारे में बताया, फिर काइट है लास्ट वन है ना। इसके बाद आपको क्या बता देंगे? एरिया पेरीमीटर, पहले थोड़ा सा सर्किल के बारे में बता देंगे ना, सर्किल के बारे में बता देंगे। उसके बाद क्या बताएंगे? एरिया पेरीमीटर बताएंगे ना, एरिया पेरीमीटर बताएंगे। उधर क्या देख रहा है अरब, और अब उधर क्या देख रहा है शैतान? ठीक, उसके बाद हम लोग एरिया पेरीमीटर पढ़ेंगे, इतना टॉपिक खत्म होगा है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला बाबू। ठीक, अब देखो क्या बाबू, काइट किसको कहते हैं सर? काइट किसको कहते हैं? तो काइट कुछ नहीं होता बाबू, कुछ नहीं होता, शांति सुन। जैसे आप लोग बाबू बच्चे हैं बाबू, बाबू ये 26 जनवरी होता है और बाबू 15 अगस्त होता है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे होता है। तो वहां पे बाबू, वहां पे भोला मेरा क्या कहता है, आकाश में बाबू पतंग उड़ता है ना, पतंग उड़ता है। तो वही जो सेप है उसी को क्या कहा जाता है? काइट कहा जाता है। आप लोग देखे होगे, नहीं देखोगे तो इमेजिन करो, इमेजिन करो है ना, इमेजिन करो। कुछ इस टाइप का वो सेप होता है, कुछ इस टाइप का कैसा होता है सर? सेप होता है ना, काइट सारा बच्चा मेरा देखा है ना, इसी टाइप का कुछ क्या होता है सर? सेप होता है, ऐसे करके कुछ सेप होता है, ऐसे करके कुछ क्या होता है? सेप होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना और कुछ नहीं करना है ना, यूज कुछ नहीं करना। तो काइट अब कहेंगे किसको सर? शांति से समझना, काइट किसको कहेंगे सर? किसको कहेंगे काइट? कहेंगे किसको बाबू है ना, किसको कहेंगे काइट है ना? तो काइट बाबू हमको क्या है? क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर है। तो वैसा बाबू, वैसा क्वाड्रिलेटर बाबू जिसका एडजेसेंट साइड, सीडी का पड़ोसिया कौन है? सीडी का पड़ोसिया सीबी है, ये दोनों, इसका पड़ोसी ये भी है और ये भी है, ये वाला छोड़ के सीडी का पड़ोसी क्या है? सीबी है। तो ये दोनों साइड आपस में क्या होना चाहिए? सेम लेंथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम लेंथ होना चाहिए। ठीक, ये दोनों नीचे वाला जो दोनों आपस में है ना, बिलो साइड में ये है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बराबर ये होगा और ये बराबर कितना होगा? ये होगा है ना, मतलब ये जितना लेंथ है सर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर रहेगा है ना। ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये होना चाहिए, और ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये होना चाहिए ना। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? काइट कहेंगे, काइट कहेंगे ना, काइट कहेंगे। मतलब किसको कहेंगे सर? तो इंग्लिश में वही लिखा हुआ, एक क्वाड्रिलेटर बाबू, एक क्वाड्रिलेटर इज ए काइट बाबू, इट हैज बाबू टू पेयर्स ऑफ बाबू इक्वल एडजेसेंट साइड। दो पेयर ऑफ क्या होना चाहिए? इक्वल एडजेसेंट साइड होना चाहिए। ये एक पेयर बना ना जी वाला बाबू, हाँ सर ये एक पेयर बना, दूसरा पेयर मेरा ये बना बाबू, दूसरा पेयर, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है ना, ये आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कौन किसके इक्वल रहेगा? डी सी सी बी के बराबर होगा, ये जो डी सी है इधर से आई सी बी आपस में बराबर होगा, फिर ये ए डी है, ए डी है, और ये आपस में क्या ए बी है, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना, बराबर होगा ठीक है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। ऐसे फिगर को क्या कहेंगे? काइट कहेंगे है ना, ठीक। एंड बाबू अनइक्वल अपोजिट साइड, अनइक्वल अपोजिट साइड कहने का मतलब क्या बाबू? सी डी के अपोजिट कौन है सर? सी डी के अपोजिट ए बी है ना, देखो सी डी है, ये सी डी है ना बोला, तो इसका अपोजिट साइड कौन है? ए बी है। तो सी डी के उल्टा में यही है ना, हाँ सर। तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए। अनइक्वल मतलब क्या सर? इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सी डी का अपोजिट क्या है? ए बी है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए ना, ठीक। फिर ए बी के अपोजिट उल्टा में कौन है सर? बी सी है। ए बी के अपोजिट कौन है सर? बी सी है, बी सी है। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? काइट कहेंगे, काइट कहेंगे। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना वो, ठीक हो। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट। तो वही यहाँ पे किया गया भोला मेरा है ना, फिगर में वो क्या ए डी बराबर ए बी है, ई ए डी, ए डी ए बी, ए डी कौन है? इबला सर, इबला, 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 और ए बी कौन है? इबला। तो ये दोनों आपस में क्या है सर? बराबर होगा। ऊपर वाला दो, दो ऊपर वाला डी सी और सी बी, डी सी और सी बी, सी डी और सी बी आपस में क्या होगा सर? बराबर होगा। उल्टा वाला, उल्टा वाला कौन उल्टा सर? ई सी डी को उल्टा कौन? ई ए बी। सी डी को उल्टा कौन? ए बी। और ए डी को उल्टा कौन? बी सी, बी सी। ये आपस में बराबर नहीं होगा है ना, ये आपस में क्या होगा? बराबर नहीं होगा है ना, ये नॉट इक्वल टू है। इक्वल टू सिंबल को अगर ऐसे कट कर देते तो नॉट इक्वल टू होता है ना, बराबर नहीं होता। ये इक्वल टू का सिंबल है, इसको ऐसे कट कर देते तो नॉट इक्वल टू होता, नॉट इक्वल टू होता। तो ए डी अभी इससे आपस में बराबर नहीं होगा। सी डी, सी डी, सी डी और ए बी आपस में बराबर नहीं होगा है ना। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। आगे क्या बाबू, आगे क्या प्रॉपर्टीज है? आगे क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज मेरा क्या कहता बाबू? काइट जो है मेरा एक पैरेललोग्राम नहीं होता है।
ये ध्यान देना, बाकी जितना भी है बाबू, जितना भी है बाबू जैसे ट्रेपीजियम है तो वो भी मेरा क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, तो काइट भी मेरा बाबू एक पैरेललोग्राम क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे सर? पैरेललोग्राम किसको कहते हैं सर? जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल है ये नहीं है सर, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं ना बाबू, है ना? तो काइट मेरा बाबू एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शांति से सोचना, एक फिर से बनाते बाबू काइट बाबू। ठीक है सर, बनाइए सर। ड्रिंक वाटर 10 मिनट, एक तो आया शैतान इतना गुस्सा बढ़ता है, आज आपके पापा जी के फोन करके शैतान 15 मिनट लेट आया, 10 मिनट बैठा, इसको प्यास लगेगा, ये लगेगा, बर्दाश्त करो। ठीक 10 मिनट में वो, ये मेरा क्या है सर? काइट है। ये मेरा क्या वो एक फिगर है। ये दोनों ऊपर वाला क्या होगा सर? इक्वल होगा। हाँ सर, शांति समझना। ठीक, ये बड़ा वाला काइट है बाबू, है ना? कोई भी काइट रहे सर। ठीक सर, पतंग जैसा है ना? हाँ वो पतंग जैसा है ना। ठीक, तो देखो बाबू, ये एक मेरा पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं सर? पैरेलल जिसका अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल और इक्वल हो। इसी तरह से फेज रहता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ई से पी से में अंतर दिखाई नहीं देता, पैरेलल इसका इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होता। यहाँ पे ई वाला बाबू इक्वल है ये नहीं है, इक्वल है ये नहीं, इक्वल है ये नहीं, है ना? इक्वल नहीं है। ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना? तो इसीलिए पैरेललोग्राम काट करना क्या होगा, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है इट हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑब्ट्यूज आर इक्वल। अब हमको यहाँ से आपको पहले बताना पड़ेगा, यदि त्रिभुज ऑन करो शुभ बाबू, शैतान ऑन करो, जानवी दास कहाँ रह गए? इसमें ऑब्ट्यूज एंगल कौन होगा, ये एक्यूट एंगल कौन होगा? शांति सुनना, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से छोटा है, ये एंगल को मेजर करोगे तो ये जो एंगल है एक्यूट एंगल है। ये क्या है? एक्यूट एंगल है। शांति समझना, ये जो एंगल है नीचे वाला ये एक्यूट एंगल होता है सर। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं बाबू? वैसा एंगल बाबू जिसका वैल्यू कितना हो, 90 से छोटा, उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक, ये जो एंगल है बाबू ये क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है ना? एक्यूट एंगल। ठीक ठीक सर, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक, ये एंगल बाबू 90 से बड़ा होगा, ये जो एंगल है सर और ये जो एंगल है ये क्या है बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल है। ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे सर? शुरू में पढ़ाएं बाबू टाइप्स ऑफ एंगल, आपको 16 टाइप का एंगल पढ़ाएं, 16 टाइप का एंगल पढ़ाएं, जिसका जिसका फेयर नहीं बने रहेंगे ना सारे के कूटेंगे। ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक ठीक बाबू, ये भी क्या होगा बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये भी क्या होगा शैतान? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक, समझना शांति से, ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो काइट का जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना सर, आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। एक्यूट एक्यूट नहीं इक्वल होता, एक्यूट इक्वल नहीं होता, एक्यूट इक्वल नहीं होता, है ना? मतलब इसको नामकरण करोगे बाबू, ए ये पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। ये क्या हो गया? सी हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया? डी हो गया। तो ये पॉइंट ए के सामने एंगल ए हो गया, पॉइंट बी के सामने एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, ये एंगल क्या हो गया? डी हो गया, है ना? ठीक सर। हाँ सर, तो एंगल बी और डी आपस में क्या सर? एक्यूट एंगल है ना? एंगल बी और डी क्या सर? ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल बी और डी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई काइट दे देगा बाबू, है ना? काइट दे देगा बाबू, ठीक, और कहेगा एक एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये एंगल दे देगा, ये एंगल दे देगा, और ये एंगल फाइंड आउट करने का है, तो कैसे निकालो, है ना? उसको ऐसे कंसेप्ट से हम लोग यूज करेंगे। तो इस लाइन के नीचे फिगर बनाना बाबू, है ना? दैट इज बाबू, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ? एंगल डी, एंगल डी बराबर क्या होगा सर? एंगल बी होगा। एंगल डी बराबर क्या होगा? एंगल बी होगा। राइट डाउन करो, राइट डाउन करो। एंगल डी बराबर कितना होगा? बी होगा। सुब्रा वीडियो ऑन कीजिए। आदित्री कहा बंद कर ली भोली? ये आदित्री सर, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो सर आपका वो ब्लर हो जा रहा है क्योंकि सर नेट मम्मी उड़ा दी। मम्मी नेट उड़ा दी बाबू, वेरी गुड बाबू। यस सर, अभी मम्मी फोन करते हैं सर। करे हाँ, लिखे लिखे लिखे। और डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है सर। ऊपर से नीचे से ऊपर का क्या दिए सर, उसके बाद का दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल बी दैट इज छूट गया, दैट इज
मतलब अब इसका ये सेकेंड नंबर के बाद लिखना, सेकेंड नंबर के नीचे लिखना है शिवानी आई है। फिर से बनाना है क्या सर काइट? हाँ फिर से बनाना। शैतान श्रुति उसमें भी नहीं आई, इसमें भी नहीं आई शैतानी श्रुति, रह कौन गई? समय थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट थोड़ी होता जी सर, आधा घंटा लेट। जल्दी लिखोगे? राजनंदिनी सुब्रगस्तिया निको सलोनी, सलोनी भी नहीं है जी। सलोनी नहीं है, सत्यम नहीं है, फोन करना। लक्ष्मी प्रज्ञा स्वर्ण जानवी दास, जानवी दास भी नहीं है। अदित्री दास संतनी अंशिका स्वाति रोशनी, जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, शांत नहीं समझ में आ रहा है? भोले भोले शांत नहीं जैसे yes, आ रहा है समझ में बाबू? जैसे yes, आ रहा है। जल्दी लिखो आपको रोशनी। यस सर। श्रुति आज पढ़ने गई थी रोशनी? यस सर। शैतान आए नहीं आज? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। हेलो ठीक सर? हाँ सर, हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या प्रॉपर्टी जब काट हुआ है ना, तो जब ऑब्टयूज एंगल होगा वो आपस में क्या होगा सर? इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे बाबू, फाइंड द एंगल बाबू एक्स एंड वाई, ऐसे क्वेश्चन कर दे बाबू, ऐसे कर दे, कैसे कर दे सर, कैसे कर दे, है ना, है ना बाबू, ऐसे कर दे, फाइंड द बाबू, फाइंड द बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ बाबू एक्स, एक्स एंड वाई डिग्री, एक्स एंड वाई डिग्री ऑफ ऑफ ए काइट ऑफ बाबू, ऑफ बाबू। अच्छा शैतान साल रे, गिवन काइट, दिए गए काइट में बाबू, है ना, आपको क्या निकालना है? म्यूट करोगे जी? किसका म्यूट है? एक काइट का फिगर दिया हुआ, काइट का फिगर दिया हुआ है ना, फिगर दिया बाबू, आकार है बाबू, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, कैसे निकालो, कैसे निकालो, ठीक, कैसे निकालोगे देखो बाबू, कौन निकालेगा, कौन निकालेगा, जल्दी से निकालो तो रोशनी। म्यूट करो ना जी, किसका जी? ये काट दिया हुआ सर, है ना सर, ठीक सर, ठीक, इस तरह से काट दिया हुआ, ये मान लो बाबू 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, और ये दिया बाबू 70 डिग्री दिया हुआ है ना, ठीक बाबू। तो कह रहा है ये दोनों एंगल निकालने के लिए, ये दोनों एंगल, ये एक्स डिग्री हो गया और ये वाई डिग्री हो गया। सर काइट का फुल सर कितना होता है सर? फुल सारे एंगल का सम वही बाबू जो क्वाड्रिलेटरल का होता है शैतान,
क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। हाँ, तो उसी तरह का काइट भी मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही है, क्वाड्रिलेटरल ही है। दोनों का इक्वल वैल्यू हो भी सकता सर, एक्स इक्वल सर शांत रहो। देखो वो कैसे बनाएंगे, हमको जानते हैं सर कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल काइट भी मेरा क्या सर, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है ना। हाँ सर, तो दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। अच्छा ठीक है, शांत रहो। ठीक हो सिंस बाबू, सिंस बाबू, सिंस बाबू क्या सर? हेलो बाबू, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू ऑल इंटीरियर एंगल। सर सिंस का स्पेलिंग गलत है। अच्छा ठीक है, सिंस बाबू, सम ऑफ बाबू ऑल इंटीरियर एंगल। डबल एन नहीं होता है सर, एन सी। अरे शैतान, एस आई एन सी होता है बाबू। Sum of all interior angles, Babu. Since all sum of all interior angles. Sir, sum of all interior angles. Sum of all interior angles. कितना? 360 सर है ना? ठीक सर। मन से पढ़ना स्वाते। समझ आ रहा कुछ? Saturday को monthly test है ना? अच्छा। स्वाते समझ में आ रहा भोले? अच्छा। सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक एंगल कितना सर? 50 डिग्री, दूसरा x डिग्री, फिर 70 डिग्री और फिर y डिग्री, बराबर कितना? 360 डिग्री। यहाँ से बाबू ये एक वाले को एक जगह याद लिखो, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस y डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये 50 प्लस 70 कितना डिग्री? 120 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना? 360 डिग्री। रोशनी, ये 120 उधर जाएगा बाबू, x डिग्री प्लस y डिग्री। LHS और RHS का यूज होगा। ये 120 उधर जाएगा उछल के बाबू, तो माइनस हो जाता है 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये 120 बाबू इसका आगे नहीं ना कुछ है बोले, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक ठीक सर। तो यहाँ से बाबू 360 में 120 अगर सबट्रैक्ट करोगे x डिग्री प्लस y डिग्री, 360 में 120 सबट्रैक्ट करोगे तो 240 डिग्री है ना। हमको x y की वैल्यू निकालने का, लिखो इतना आगे समझाते हैं सर, आगे समझाते आगे समझाते सर। आपकी वॉइस कुछ अजीब सी आ रही है। ब्लूटूथ यूज कीजिए बाबू। हमारी अदित्रि सर आप बीमार है थोड़ा? नहीं जी, हम बीमार नहीं बाबू, हमको कुछ नहीं होता, हम ठीक है सर, स्वस्थ रहते हैं। आदम स्वस्थ है, बीमार उमार कुछ नहीं। देखो जल्दी सर। हाँ जी, x और y को दोनों को x ही मानेंगे ना सर, और 2x इक्वल टू मतलब पहले खा लो ठीक है ना। 10 मिनट आया, 15 मिनट लेट से आया, फिर खाना खा रहा, शर्म नहीं लगता है सबको। सबसे बेशरम लेट आया है वो, मैं 15 मिनट आ रहा। बेशरम लड़का सबसे यही है, इसके पेरेंट्स इतना मेहनत करते हैं इसको शर्म नहीं लगता। समझ, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, समझाते हैं आगे। सर मैं लेट हो गया क्योंकि सर मैं वो सांद्रा बाबू। नेक्स्ट बाबू। हाय सर, ये सर ये नहीं दिख रहा राजनंदनी, उसको शैतान को दिख नहीं रहा होगा। बोले यस दिख रहा, दिख रहा है जी। कैसे दिखने लगा बाबू? नो सर नहीं दिख रहा। चलो कहाँ दिख रहा है? एक्स डिग्री बाई डिग्री तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर वहाँ तक दिख रहा है सर, बाकी के नीचे का बना लिया मैंने। ठीक, नीचे क्या सर? एक हाँ चलो ठीक, अब शांति समझना क्या है सर। एक्स डिग्री प्लस बाई डिग्री बराबर कितना है सर? 240 डिग्री है। ठीक, अब सर हमको x y की वैल्यू निकालने करा, तो अभी काइट का प्रॉपर्टी पढ़ा है सर, ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो काइट का ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है सर? इक्वल होता, तो x बराबर क्या होगा? y होगा।
सिंस बाबू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाबू सिंस, चूंकि बाबू एक्स डिग्री बराबर कितना होगा सर, बाई डिग्री होगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू काइट का ऑब्ट्यूज एंगल आपस में इक्वल होता था, जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 होगा, ये 40 होगा तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, है ना बाबू, क्योंकि बाबू है ना ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, सिंस बाबू ऑब्ट्यूज एंगल्स ऑफ काइट, ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री बाय 2, ऑब्ट्यूज एंगल्स एंगल्स ऑफ काइट आर इक्वल, ऑब्ट्यूज एंगल्स ऑफ काइट आर इक्वल, मतलब क्या सर, x बराबर कितना होगा, बाई होगा, वो देयरफॉर है ना, ठीक सेंस है, तो देयरफॉर क्या है ऑब्ट्यूज के पहले, गुड, ले x बराबर बाई है तो x बराबर क्या सर, x डिग्री बराबर कितना है, बाई डिग्री है ना, तो कहीं ये x बराबर x रख देते हैं सर, अब बाई के भाई लोग भी क्या रखेंगे, x ही बराबर रखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो बाई बराबर कितना होगा, x डिग्री होगा बराबर 240 डिग्री, x प्लस x मम्मी कितना पढ़ाई है, 2x पढ़ाई है बराबर 240 डिग्री, अब 2x बराबर 240 तो दो इधर डिवाइड में आएगा, ये सब याद है स्वाति की, भूल गए बाबू कछुआ, बोलिए याद है ना, हाँ याद रहना चाहिए, x डिग्री बराबर कितना 240 डिवाइडेड बाय 2, मर जाएगा 2 से वो 240 120 बार में, तो 120 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 120 डिग्री, तो जब x बराबर 120 डिग्री आ गया सर, अभी आप प्रॉपर्टी नंबर किसका पढ़ाएंगे क्या सर, जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री ये होगा, तो इसीलिए y भी बराबर कितना होगा सर, 120 डिग्री होगा, y भी कितना होगा 120 डिग्री होगा, राइट डाउन करो भोले, ना समझ में आ रहा शांतनी, और आ रहा है लिखिए, हां हां लिखिए लिखिए, उधर क्या कर रहे हो शिवानी, इसको भी कूटना जरूरी हो गया, शिवानी इधर उधर क्या कर रही बाबू, तो मेरे को वो कूटने आएंगे, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे को समझ नहीं आया वो वाला लास्ट वाला, तब सेकंड लास्ट ईयर लास्ट वाला उसका, चलो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया अब तो वीडियो देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आ जाएगा समझ में, सो वही तो एक्स का वाला निकल गया ना सर, फाइंड द बाबू, फाइंड द भाई लो बाबू by of the given figure. सब वो फिर ड्रॉ करना है, हाँ बाबू इस क्वेश्चन के फिर ड्रॉ करना, सब वो नहीं ऊपर वाला 70 वाला, नहीं एक बार ड्रॉ कर लिया ना, दोबारा नहीं करना, अब ये एंगल निकालने का रहा, ये एंगल 110 डिग्री दे दिया और ये एंगल कितना दे दिया, ये एंगल आपका दे दिया कितना, 70 डिग्री दे दिया, तो ये निकालने का रहा, कितना आएगा जल्दी बाबू जल्दी बताओ बाबू संतरी, अच्छा तो संतरे 120 कर देती है, 110 डिग्री ये वाला निकालने का रहा, ठीक है ना, अच्छा सॉरी सर, 50 डिग्री सर, बाय का वैल्यू 70 डिग्री, 70 निकाले जल्दी बाबू जल्दी निकालिए, कितना होगा राजनंदनी, सर 70 डिग्री होगा सर, वेरी गुड बोली जल्दी से, मेरे बच्चा सब तेज हो गया, कितना होगा शांतनी, जल्दी लिखो जल्दी लिखो सर, कैन आई टेल द रीजन, इसको देखो शैतान शांति से समझो सर, अभी बताएं सर, हाँ
110 है सर तो ये भी 110 हो जाएगा। 110 कितना 220 प्लस 17 290 और 360 में 290 घटाओगे तो 70 आ जाएगा। 70 आ जाएगा ना, 70 आ जाएगा। 70 एक बार वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है ना? आपका दिमाग मोटा हो गया। नो सर, हाँ तो वही इतना देर, हाँ इतना देर से वही बता रहे थे, ठीक है ना? हल्ला मत करो, सुनवाई नहीं करती तो हम क्या करें सर? नहीं अभी आगे और पढ़ाना। बाय सर। हाँ बाय सर, दो चार को क्वेश्चन बना के लाइएगा। इसमें भी और थोड़ा सा बच गया, उसको और बताएंगे, है ना? ये आपको सर, मुझे लास्ट में नहीं आया। नहीं आया भोले? नो सर, काहे नहीं समझ में आया भोले? सर प्राइम भी करना है वैल्यूज का, बताते हैं जी। नहीं समझ बताते हैं। इसमें आपको क्या निकालना बाबू? ये एंगल आपको दिया बाबू 130 डिग्री बाबू, और ये एंगल दिया बाबू 50 डिग्री दिया हुआ। ये एंगल आपको निकालना, एंगल एक्स की वैल्यू निकालना। एक नंबर सर 50 डिग्री होगा। मुंह काला हल्ला कर देते सेताने, 360 डिग्री। हेलो 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट बोला ये क्वाड्रिलेटरल है बाबू, काइटे है, ठीक? काइटे दे उत्तरायण। इसको आगे बढ़ा दो। ये एंगल है बाबू, ये एंगल बना रहे हो 120 डिग्री है, और ये एंगल है 50 डिग्री है। ये एंगल पूछ रहा है, एक्स और वाई पूछ रहा है। इसमें फाइंड एक्स डिग्री, इसमें फाइंड एक्स एंड वाई डिग्री। सर वो लाइन कटती हुई नहीं होता है ना सर, एक्स डिग्री वाई डिग्री, एक्स डिग्री वाला। नेक्स्ट बोला सर आपको क्वेश्चन लिखना है। हाँ लिखना है, तनु खाली हल्ला करती है। नेक्स्ट बोला डिग्री, नोट करो तनु। ये एंगल निकालना है। सारा का सारा काइट है, सारा का सारा फिगर कैसा है? काइट है सर, डायमंड है। फाइंड एक्स डिग्री, नेक्स्ट बोला। चार दे रहे हैं। हाँ चार दे रहे हैं। सर सर हाँ जी सर, मैं आपसे सर बस डायग्राम में ही सर आंसर लिख दे रहा हूँ सर, तो चलेगा क्या सर? क्योंकि सर बनाने का, सर बनाने का जरूरत नहीं बन रहा है सर, जैसे कि सर अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो, बहुत हल्ला करता है। चलेगा, सोल्व करके बनाए, सोल्व करके बनाए। 17 डिग्री सर कम दीजिएगा, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो साइंस पढ़ा दीजिए ना, कल साइंस है। सारा का सारा फिगर क्या? काइट है। गुड इवनिंग सर।
बहुत पहले बाबू हर्षिता गुड इवनिंग बोलिए। इसमें और रह गए बाबू, कल आप लोग साइंस पढ़िएगा जी। साइंस में क्या पढ़ोगे बाबू, कौन सा चल रहा है? हिट स्केलेटल सिस्टम। नो सर, एसिड बेस। अरे एसिड बेस 60 सब कभी समझ में आएगा बाबू। एटॉमिक